नंबर सात, अंक शास्त्र में नंबर सात किसका नंबर है? केतु का नंबर। केतु क्या है? वो बेचैनी का भाव जो एक आदमी को विवश करता है हर एक सेकंड कुछ ना कुछ सोचने के लिए। तो केतु वालों की जिंदगी यानी कि नंबर सात वालों की जिंदगी कुछ ऐसी सी होती है, वो किसी काम के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो कुछ बैक ऑफ द माइंड कोई थॉट चलता होगा, काम को कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट काम को लेकर के थॉट जो है वो चलता होगा। तो हर क्षण एक थॉट, एक विचार जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है। केतु वाले व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर किन किन कारण से चैलेंजेस में आते हैं उसको समझिए। केतु वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में जब भी दिमाग लगाने का उपयोग करेंगे वो अपनी लाइफ के अंदर चैलेंज के साथ अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि केतु वास्तविकता में क्या है? मन की बात को सुनना, अपनी भावनाओं को समझना, अपनी गट फीलिंग को समझना, अपनी इंट्यूशंस को जानना, यह है केतु। और जिस वक्त ये बुद्ध का यानी कि बुद्धि का उपयोग करना शुरू करेंगे तो वो केतु यानी कि अपने अस्तित्व से जो है वो दूर होते चले जाएंगे। केतु वाले और क्या चीज जो है वो कर सकते हैं जिससे केतु की एनर्जी जो है वो अच्छी हो? केतु वालों को अपने पैरों का खास ध्यान रखना चाहिए, इनके पैरों में कभी भी दरारें ना आए, इनके पैर जो हैं वो बिल्कुल सुंदर और बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है वो होने चाहिए। नाखून जो है वो तीखे ना रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु के साथ जब नाखून तीखे जुड़ जाते हैं तो वो ऐसी एनर्जीज को जन्म देते हैं जिसमें एक व्यक्ति का क्रोध का भाव जो है वो बढ़ जाता है। केतु वालों ने और किसका ध्यान रखना है? केतु वाले एक छोटा सा कार्य जो है कर सकते हैं। केतु वाले क्या कर सकते हैं? वो अपनी लाइफ के अंदर एक नियम फिक्स कर लें। वो कोई भी चीज अपनी अर्निंग में से, अपनी शेयरिंग में से गुप्त दान ही निकालें। वो बिना गुप्त दान के कोई भी काम करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। जिस वक्त वो काम गुप्त दान के माध्यम से करेंगे तो वही चीज उनके व्यापार के अंदर, उनके कार्य के अंदर क्या कर देगी? बरकत जो है वो ऐड कर देगी। और केतु की एनर्जीज कैसी है? साधु संत फकीरों की एनर्जीज है। तो साधु संत फकीरों की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना, या आपके मोहल्ले में, आपके शहर में जो डॉग्स होते हैं, जो अगर हम डॉग्स की बात करते हैं, कोई डॉग अगर बीमार है उसकी सेवा करना, डॉग को खाना खिलाना, ये केतु वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। एक कोड, वो कोड जो कि केतु को कंप्लीट करता है, वो किस नंबर का कोड है उस नंबर को समझिए। हम केतु की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए कोड 214 का उपयोग करते हैं। 214 अंक 214 का कोड यूज करेंगे, पर ये किस रंग से लिखेंगे? इसको हम पीले रंग से इसको लिखेंगे। तो पीले रंग से लिखा हुआ 214 का कोड केतु की एनर्जीज को बैलेंस कर जाता है। तो ये व्यक्ति व्हाइट पेपर पर 214 लिख करके उसको लैमिनेट करवा करके अपने पास जो है वो रख सकते हैं।